हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बादशाहबुल कैनल्स बीबीके लाइन, वन ऑफ द बिगेस्ट बुली इन द कंट्री। मैं आज बीबीके लाइन का रिजल्ट दिखाता हूँ आपको, और क्योंकि अब इस समय शाम की डाइट हमारी तैयार हो रही है तो मैं थोड़ा बहुत डाइट के बारे में शेयर करता हूँ। ओ गुड गर्ल, बोलो बस से, बस 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 बस, शबाना हाथ तेरी की शबू। कैसा लगा आपको कर्मा से और शबाना से मिलके? ये बादशाह का पहला लीटर है और मैं तो कहूँगा कि एक लेजेंडरी लीटर है। जब डबल एक्सल की बात होती है ना, तो डबल एक्सल का मतलब सिर्फ एक सिंपल है, इस चीज़ को समझ लो, समथिंग एग्जॉर्बिटेंट, कुछ डिफरेंट। आज आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, बड़ी हंसी की बात बताता हूँ, इस देश में एक्सल कैटेगरी ख़त्म हो गई है। आप ढूंढो मार्केट के अंदर, मुझे एक्सल डॉग चाहिए, कहीं नहीं है। जितने एक्सल ब्रीडर्स थे सब डबल एक्सल में कन्वर्ट हो गए। 40 किलो का डॉग एक्सल डबल एक्सल, 45 किलो का डॉग डबल एक्सल, 55 किलो का मेल वो भी डबल एक्सल, 44 किलो की फीमेल है मेरी 6.5 महीने की, 44 kg वेट है। तो ये मैं ये नहीं कहता कि मैं इस तरीके से करता हूँ यार, मेरे बच्चे फार्म में रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक पूरा वर्कआउट करते हैं, खींचते हैं हम इनको, टूट जाते हैं बच्चे। लेकिन सर डबल एक्सल को प्लीज़ थोड़ा सा रिस्पेक्ट दो, थोड़ा सा अलग रखो यार, समथिंग एग्जॉर्बिटेंट। 29 इंच की नेक का मतलब समझते हो? 29 इंच की नेक साइज, ये नेक साइज है नहीं हो, चलो ठीक है भाई ये बादशाह है नहीं, ओके यार 27 तो ऐसा ही मत करो ना कि अंकित भाई। सर ऐसा तो कॉलर हो कम से कम डबल एक्सल का नेक साइज़ हो कि किसी पेट शॉप पे उसका कॉलर ना मिले। नहीं मिलता सर, बनवाना पड़ता है। प्यारा बेटा मेरा, प्यारा बेटा, भी आप मस्तानी से मिले, शी इज़ अ APBT मिक्स, शी इज़ अ काइंड ऑफ रेस्क्यू। 6 मंथ्स में इसने 3 या 4 घर बदल लिए थे एंड बहुत मुश्किल से इसको हमने टेम किया, बट अभी भी मैं कहूँगा कि मेरी पूरी फैमिली में सबसे ज़्यादा हॉट ब्लड है। एंड समहाउ आई डोंट नो, बट इसको ये ट्रेट कहाँ से मिला जो कि बहुत यूनिक है। पता है मैंने इसको कितनी बार देखा, एक्चुअली शी इज़ माई, एक तरीके से शी इज़ माई आर्मर अगेंस्ट एनी थ्रेट। तो शाम को अगर मस्तानी खुली है इस फार्म पे तो हमारे पूरे गांव में, बादशाहपुर में मस्तानी फेमस है, कोई लांग नहीं सकता। अब सर ये वोकल नहीं है, यू नो इफ शी सीज अ थ्रेट तो शी इज़ नॉट वोकल एट ऑल, ये बिल्कुल डक कर लेगी एंड बिल्कुल डक करके इसका 100% फोकस उसके ऊपर होगा एंड ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि ये कोई आवाज़ नहीं करे, राम जाने कहाँ से, नहीं तो यार कुत्ते तो भौंकते हैं, दे ऑल्सो वॉन्ट टू डिफेंड ऑफ, नहीं शी वॉन्ट्स कि वो किसी तरीके मेरे करीब आए एंड उसके बाद प्रीडेटर किस टाइप का भी हो। सबसे ज़्यादा दुश्मनी इसकी हमारी वुल्फ से, लोमड़ियों से, हमारे यहाँ पे लोमड़ियाँ बहुत हैं। शी लव्स कैचिंग अप विद नील गाय, बहुत मस्ती करती है उनके साथ। तो बाकी निडर मैं कहूँगा कि शी इज़ गॉट अ यू नो लॉयन हार्ट, बट फैंटेस्टिक नेचर है, यू नो वंस यू गेट टू नो दिस बेबीज। अभी शी इज़ जस्ट 12 मंथ्स, अभी 1 साल की हो गई है। आई एम श्योर गिव मी सम टाइम, 2-4-6 महीने में यू नो मैं समझता हूँ कि मैं इसके टेम्परमेंट को थोड़ा और कूल डाउन कर दूँगा, और मतलब जो इसका वो यू नो एब्यूज़ की हिस्ट्री थी आई वुड बी एबल टू यू नो अ काइंड ऑफ अ लिटिल इरेज फ्रॉम हर मेमोरी। कैसे लगे आपको खलीसी प्योर डबल एक्सेल? आई एम वेरी थैंकफुल टू प्रिंस फ्रॉम पठानकोट, कैप्टन की बच्ची है एंड मैं ये कह सकता हूँ कि द मोमेंट आई सॉ हर, ये मेरे घर आई, मेरे दिल से आवाज़ निकली खलीसी। यू नो आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स और उसका जो मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है खलीसी, जिसको मदर ऑफ ड्रैगन्स भी कहते हैं। एंड आई प्रोमिस यू फ्रेंड्स, शी विल प्रोड्यूस ड्रैगन्स एंड मेरे ख्याल से जितने लोग इसकी पोस्ट देखते हैं और इसको फॉलो करते हैं, काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये तो पाकिस्तानी बुली लगती है, बट नहीं ये डबल एक्सेल है। शी इज़ गॉट एक्सेप्शनल हाइट, एक्सेप्शनल लेंथ, बहुत अच्छा टेम्परमेंट है, एक्सेलेंट। और ये तो मैं कार्तिक भैया के यू नो चैनल के प्लेटफॉर्म से एक चीज़ कहना चाहूँगा, यू नो आई डोंट नो, मेरे ख्याल से मैंने कभी किसी यूट्यूबर की वीडियो पढ़ी थी, सुनी थी, देखी थी, जिसमें उससे सवाल किया गया कि सर मुझे मेल डॉग लेना चाहिए या मुझे फ़ीमेल डॉग लेनी चाहिए। तो कुछ टाइम पहले जब तक मेरे पास फ़ीमेल का एक्सपीरियंस नहीं था, फ़ीमेल नहीं थी, तो शायद मैं भी यही कहता, नहीं वी शुड गो फॉर मेल और ये। आज की तारीख में
आई मीन मैं इस बात का प्रॉमिस करता हूँ, लाइफ में आई विल नेवर बी विदाउट अ फीमेल डॉग. मतलब जो एक कंप्लीट पैकेज होता है ना, मतलब जो मैंने कमिटमेंट, जो मैंने जज्बा सीखने का, जो मैंने हेल्पफुल नेचर, जो मैंने सब कुछ, इतनी नॉलेज, मतलब प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊँ, ऑफ द लीस्ट ट्रेनिंग करता हूँ मैं खलीसी की. और मैं किसी भी मतलब किसी भी यू नो ऐसी टेरिटरी में भी जा सकता हूँ जहाँ मुझे यही नहीं पता कि कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या है, बट मुझे पता है कि मेरे को बोलना भी नहीं पड़ेगा एंड खलीसी विल इंटरप्रेट कि चाचू क्या चाहता है. तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी यू नो फ्रेंड्स ये डिसीजन में है कि हमें मेल डॉग लेना चाहिए या फीमेल डॉग लेना चाहिए, आई मीन मेरी पर्सनल चॉइस विल बी, अगर आप एक प्रोफेशनल ब्रीड या एक डेंजरस ब्रीड ले रहे हैं या एक हैवी ड्यूटी ब्रीड ले रहे हैं और आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, तो प्लीज़ फॉर हेवन सेक स्टार्ट फ्रॉम अ फीमेल. और वो आपको सब कुछ सिखा देगी, ट्रस्ट मी सर. अगर मैं ईमानदारी से बोलूँ, आज खलीसी एक ऐसी मेरी बच्ची है, आपके घर में एक छोटा सा बेबी होगा तो बिल्कुल उसके पास बैठ जाएगी कि ज़रा सा उसको कुछ टच ना हो जाए. सडनली आपके घर में कोई बंदा घुस गया और वो आपके घर को नुकसान करना चाहता है, खलीसी विल बी लाइक यू नो एक ऐसी वॉल बन जाएगी, मतलब मैं समझता हूँ कि मारना ही पड़ेगा, पीछे नहीं हटेगी. अगर मैं बात करूं आपके घर में कोई फैमिली आई और आपके फ्रेंड्स आए, किस तरीके से आप बिहेव करें, बिहेव करेगी. आप उसको बोल दो कि बेटा साइड में जाके बैठ जाए, बैठ. इतना समझदार बच्चा है. एंड ऑफ कोर्स सर फाउंडेशन है, किसी भी ब्रीड की फीमेल फाउंडेशन होती है, तो बहुत मेहनत करनी चाहिए अपनी फीमेल के ऊपर. मैं देखता हूँ अक्सर लोगों के कि यू नो फीमेल्स लेफ्ट राइट होती हैं, मेल मेल, लेकिन नहीं सर, मेरे ख्याल से मोर देन 50% मैं वैल्यू करता हूँ कि फीमेल के ऊपर है. और मैं अपनी तरफ से कोशिश ये करता हूँ वेरी फ्रेंकली कि मैं जितना मैक्सिमम फोकस कर सकूं, बिकॉज मेरे को मतलब बादशाह से ज़्यादा इन्होंने सिखाया है. ठीक है, तो कमिंग टू डाइट, जैसे शाम को 6, 6:30, 7 बजे के करीब हम लोग एक सूप तैयार करते हैं, तो मैंने तो उसका नाम दे रहा है, मतलब रखा हुआ है मिरेकल सूप. अब वो मिरेकल सूप का मतलब ऐसा तो है नहीं कि ये कुछ जादुई सूप है, लेकिन यस हम कोशिश करते हैं कि उसमें ऐसे कॉम्पोनेंट्स हों जो हमारे बच्चों को सिर्फ बाहर से नहीं लेकिन अंदर से मजबूत करें. और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जांपल के तौर पे मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कितने सारे यू नो बड़े बड़े डॉग ब्रीडर्स, आई एम नॉट अ ब्रीडर येट, कि जिनके कैनल में 10-10, 20-20, 50-50 डॉग्स हैं, कभी किसी ने नेचुरल डिवॉर्मर के ऊपर स्टडी करी है? व्हाट इज़ नेचुरल डिवॉर्मर? हम सबको पता है कि आप हमारे डॉग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन डिवॉर्मिंग है. डॉग को छोड़ो, बकरी पाल लो, मुर्गा पाल लो, गाय पाल लो, भैंस पाल लो, कुछ भी कर लो, डिवॉर्मिंग इज़ अ मस्ट. जंगल में रहते हैं, कीचड़ में रहते हैं, डेफिनेटली ये मिट्टी थोड़ी सी इनके अंदर भी जाती है, तो भाई जर्म्स तो होंगे मिट्टी वो. सर नेचुरल डिवॉर्मर क्या होता है? बेसिकली एक जो हमारे वॉर्म्स होते हैं उनकी एक साइकिल होती है 21 दिन की, ठीक है, वो 21 दिन के अंदर अंडे भी दे देते हैं और एक्सप्लोड करते हैं अंदर, यू नो मैनिपुलेट होते हैं. अब नेचुरल डिवॉर्मर अगर आपके बच्चे के अंदर डेली जा रहा है थोड़ा थोड़ा मात्रा के अंदर, तो बेसिकली क्या होता है, जो इनके इंटेस्टाइंस के अंदर, जो इनके अंदर जो वॉर्म्स होते हैं ना, वो इरिटेटेड रहते हैं, वो खुश होकर ग्रो नहीं कर पाते, दे वॉन्ट टू, वो खुद बाहर निकलना चाहते हैं. जब आपका बच्चा रेगुलर नेचुरल डिवॉर्मर के ऊपर है तो आप बिलीव नहीं करेंगे अमाउंट ऑफ वॉर्म्स फाउंड इन द अंदर एंड ऑल्सो बाहर, हर चीज़ में बड़ा फर्क पड़ता है. नेचुरल डिवॉर्मर्स का मतलब क्या हुआ, हर एक के घर में लॉन्ग है, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके घर में लॉन्ग नहीं होगी. लॉन्ग एक नेचुरल डिवॉर्मर होता है सर. पम्पकिन सीड्स, उसको आप पाउडर बना लीजिए, थोड़ा सा सूप में स्प्रिंकल कर लीजिए. हल्दी, हम सबको पता है कि बॉस छोटा मोटा कट लग गया बाहर, अंदर भी सर हड्डियाँ चटकाते हैं, चटकाते हैं मतलब ये चबा के तो खाते नहीं, इनके तो सिर्फ ऐसे कैनाइंस होते हैं कड़च अंदर. बाई चांस कोई अंदर इनके गले में कोई स्क्रैच लग गया, कुछ हो गया, स्टूल कई बार हार्ड हो जाता है, पीछे रेक्टम में कोई इनके स्क्रैच लग गया, तो हल्दी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ऑर्गेनिक प्योर शहद प्लीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंक्रीमेंटल है, ईमानदारी से बता रहा हूँ. मैंने शहद और हल्दी मिला के थोड़ा सा उसमें सरसों भी मिलाया, मैंने इन बच्चों के ज़ख्म ठीक करे हुए. अल्टीमेट होती है शहद अंदर बाहर हर चीज़ के लिए. सर अगर मैं कुछ सप्लीमेंट्स की बात करूँ तो मैंने कभी भी मतलब ऐसा कोई सप्लीमेंट नहीं सोचा, ना मैंने यूज़ करने की कोशिश करी कि मेरे बच्चे का वेट बढ़ जाए या मेरे बच्चे का ये हो जाए या वो हो जाए. सर सप्लीमेंट्स मैंने पहले भी स्ट्रेस किया है, एक बारी वीट ग्रास को पढ़िए, एक बारी मैंने आज इनफैक्ट मैं डॉक्टर कैरन बेकर को फॉलो करता हूँ और आज ही डॉक्टर कैरन बेकर का एक आर्टिकल आया है, आप लोग पढ़िएगा, स्प्रिलुना के ऊपर, कि एक स्टडी हुई है
जिन डॉग्स को जो डॉग्स को रेगुलरली स्प्रिलोना फीड किया जाता है एज अ सप्लीमेंट रेबीज की वैक्सीनेशन से पहले, एक छोटी सी बात करूँ, जो रेगुलरली स्प्रिलोना फेड हैं डॉग्स, उनका जब रेबीज का टीका लगता है तो उसकी जो पावर होती है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है, उसकी जो लाइफ होती है वो बढ़ जाती है स्प्रिलोना से। अगर इंटेस्टाइन्स की बात करूँ, एक ऐसी लेयरिंग हो जाती है, इतनी ज़बरदस्त प्रोटीन कंटेंट होता है स्प्रिलोना के अंदर, ईजिली अवेलेबल इन द मार्केट। वीट ग्रास, मोरिंगा, अब सर ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल इज अ मस्ट मस्ट इन योर किचन, अगर आपके पास एक कैनल किचन है, अंदर के लिए भी और बाहर के लिए भी। तो ये कंपोनेंट्स हैं जो मेरे को नहीं लगता ज़्यादा है। हमारा वो लहसुन बड़ी अल्टीमेट चीज़ है सर। अब मैं, आप कहोगे कि अंकित जी आप रोज लहसुन देते हैं, बिल्कुल देते हैं सर। सर लेकिन मैं लहसुन आधा पाव नहीं देता ना सर, एक क्लोव, एक क्लोव के अंदर 8 कलियाँ होती हैं सर, दो दो तीन तीन कलियाँ, इतने मतलब एक फ्लेवर होता है, वो ऐसा एक अरोमा तैयार हो जाता है ना, आप बिलीव नहीं करोगे। मेरा सूप तो मतलब ऐसा है, आप सिर्फ उसको स्मेल भी करोगे ना, आप कहोगे यार मज़ा, क्या मतलब उसका, क्या उसकी लेयरिंग है, इतना थिक, इतना जूसी, अल्टीमेट। तो ये होती है। राइस को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, एग्जाम्पल प्लीज़ बासमती नहीं देना, अगर ब्राउन राइस अफोर्ड नहीं हो सक, मतलब नहीं कर सकते कि थोड़ा सा महंगा होता है, तो सेला यूज़ कर लीजिए, मोटा चावल होता है, बट बासमती नहीं यूज़ करना। अगर मैं चपाती की बात करूँ, रोटी बड़ी इंक्रीमेंटल होती है, लेकिन सर हमारी वो गेहूं वाली रोटी नहीं चलेगी सर इनके लिए, हमारे लिए वो मल्टीग्रेन वाली रोटी नहीं चलेगी इनके लिए। अब आप कहोगे मल्टीग्रेन में नहीं चलेगी तो वीट गेहूँ में नहीं चलेगा, सर एक मिरेकल आटा, मिरेकल आटा मतलब मैं उसको मिरेकल आटा कहता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, 1 किलो आटा तैयार करना है हमने, तो 1 किलो आटा के अंदर सिर्फ 200 ग्राम हमारा गेहूँ होना चाहिए। अब 200 ग्राम गेहूँ के अलावा आपने उसमें 200 ग्राम चना डाल दिया, मैं तो उसमें अमरंथ भी डालता हूँ, आपने थोड़ा सा उसमें ज्वार डाल दिया, थोड़ा सा उसमें आपने बाजरा डाल दिया, थोड़ा सा आपने उसमें मक्का डाल दिया, इस तरीके से करके एक ऐसा हमारा आटा तैयार हो जाता है, सुनहरी रंग की, लाल से रंग की रोटी बनती है, गहरी यू नो जामनी रंग की रोटी बनती है, इतनी ज़बरदस्त होती है वो। और वो रोटी भी हमने ऐसे नहीं देनी यार, रोटी की चूरी बनाओ, प्रॉपर उसकी चूरी बनाओ, थोड़ा देसी घी लगाओ, उसके बाद उसके सामान में मिक्स करो। तो क्या बात कर दी मैं, गन्ना और अपने खेत की शक्कर, नॉट फॉर प्रोड्यूस। आप शक्कर खाओगे आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि शक्कर क्या है। अब सर अंडे की गेम करो सर, वाइट कलर का अंडा पोल्ट्री फार्म, वो 130 रुपये की ट्रे सर मत दो ना सर, क्यों ज़बरदस्ती, कुत्ते ने तो बोला नहीं कि मेरे को दे दो सर, कम कर लो। लेकिन सर यूज़ कंट्री चिकन, कंट्री चिकन का एग यूज़ करो सर, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क महसूस होगा। खुद यूज़ करो सर, आप खुद यूज़ करके देखो। मैं कंट्री चिकन और कड़कनाथ मिक्स करके देता हूँ, और मेरे को तो आई मीन बड़ा अच्छा, मैं तो गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मेरे हमारी कितनी एक ट्रे लग जाती है रेस, मेरे यहाँ पे कोई कमी नहीं है कि भाई साहब ये गर्मी हो रही है, ऐसी हो रही है, कुत्ते को गर्मी हो जाए, नथिंग जी, पूरे रच के खाते हैं जी, कच्चा भी खाते हैं और इनको उबाल के भी देते हैं, और सूप में कच्चा भी डलता है, और ये रोज़ का काम है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है सर। अगर मैं चिकन की बात करूँ, आप कंट्री चिकन यूज़ कीजिए, थोड़ा कड़कनाथ यूज़ कीजिए, ब्रॉयलर भी यूज़ कीजिए, थोड़ा ठंडा होता है ना, ब्रॉयलर में टेस्ट बड़ा होता है, सारा जूसी बड़ा होता है, अदरवाइज पल्ले कुछ नहीं होता उसके हार्मोन्स के अलावा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, कार्तिक जी का भी थैंक्स करते हैं कि यू नो एकदम से आ गए। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा अपने हुलिये के लिए, लेकिन फार्म पे रहोगे तो भाई ऐसा बनना पड़ता है, नहीं तो बच्चे छोड़ते नहीं है। थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस यू। पम्पकिन सीड्स हैं, उनको हमने मिक्सी में पाउडर बना रखा है। ये हमारा मोरिंगा पाउडर है, हमारी अपने खेत की खाद हल्दी है, ये बाहर से बाजार से नहीं, कुटी हुई बिल्कुल, ये क्वालिटी देखो आप। अदरक का पाउडर है, डी वॉर्मर है सर, ये सर वर्जिन कोकोनट ऑयल है, इसको आप कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, मैं प्योर देसी घी है। ये सर आप चक के देखो सर, ये शक्कर है, नीरी जान है सर, नीम ऑयल, आप ध्यान देंगे ना कलर के, ये हमारे कड़कनाथ के और ये हमारे देसी हैं, थोड़ा सा साइज़ में फ़र्क होगा, कड़कनाथ थोड़ा सा आपको छोटा लगेगा और देसी थोड़ा सा बड़ा लगेगा, लेकिन जो हमारे पोल्ट्री के एंड होते हैं वो तो इससे डबल ही होते हैं भाई, ठीक है। इन पल्ले कुछ नहीं, ये सर इसमें अभी हमने सब कुछ मिला रखा है, इसलिए इसका आपको रंग ऐसा लग रहा है, और लेयरिंग देखो इसकी, मतलब आई विश कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें यू नो शूट में अरोमा भी आए तो पता चले ये क्या चीज़। सब पे नाम लिखा है इसका।